अच्छा जीतन राम मांझी एक और कैबिनेट की मांग कर रहे थे या मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे जो अच्छा विभाग? देखिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बेचैन कर दिया, एनडीए में खलबली पैदा कर दी। अब जीतन राम मांझी को मनाने की कवायद में एनडीए का पूरा दल लग चुका है। नमस्कार, मैं नाजमन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। दरअसल 14 मार्च को बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना था, लेकिन कैबिनेट विस्तार में रुकावट आ जाती है और ये कहा जाता है कि रुकावट का कारण जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी की मांग है कि संतोष सुमन मांझी जो उनके बेटे हैं कैबिनेट में जगह पा जाते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास कुल मिलाकर 4 विधायक हैं, एक विधायक को मंत्री बना दिया गया जो उनके बेटे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की एक और मांग है कि उनके एक और विधायक को मंत्री बनाया जाए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की मांग यहाँ पर एनडीए नहीं मान रहा है, नीतीश कुमार मानने से मना कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जीतन राम मांझी की नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करने के लिए बिहार के नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ये तमाम तरीके से सम्राट चौधरी के पास कई बड़े बड़े पद हैं और वही सम्राट चौधरी चले जाते हैं जीतन राम मांझी के आवास पर, जीतन राम मांझी के घर जाते हैं, करीबन 2 घंटे तक बातचीत होती है। इस बातचीत में जीतन राम मांझी के साथ सम्राट चौधरी के साथ मौजूद रहते हैं उनके बेटे संतोष सुमन मांझी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर चर्चा हो रही थी, जीतन राम मांझी अड़े हुए हैं कि उनके एक और विधायक को मंत्री बनाया जाए, तो वहीं अड़े हुए हैं कि गया से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे उनके उम्मीदवार। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम यानी कि जीतन राम मांझी की तरफ से मांग है कि गया सीट उन्हें दी जाए। अभी वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी के सांसद इस सीट पर उतरे हुए हैं, यानी कि इस सीट से सांसद हैं, जीते हुए हैं। तो वही ये कहा जा रहा है कि एनडीए यहाँ पर जीतन राम मांझी को औरंगाबाद या कोई और सीट दे सकते हैं, गया सीट नहीं देने वाले, लेकिन जीतन राम मांझी की मांग है कि यही सीट उन्हें मिलनी चाहिए। सीट की मांग, वही एक विधायक को मंत्री बनाने की मांग, क्या ये मांग पूरी होगी? क्योंकि सम्राट चौधरी तो मनाने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन मनाने के बाद क्या जीतन राम मांझी का ऐलान होता है? क्या चिराग पासवान से मुलाकात, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात करते हैं, चिराग पासवान मीडिया के सामने खुश होते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या जीतन राम मांझी से मुलाकात सम्राट चौधरी करने पहुंचे तो क्या नाराजगी दूर हो जाएगी या नाराजगी और बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।